दिस इज ब्रजेश यार और आप देख रहे हैं CABA इन्फोमेंट। क्या सैलरी में HRA का पूरा कंपोनेंट टैक्सेबल होगा? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप अगर रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं भी रहते हो फिर भी आप अपना HRA क्लेम करके उसका इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों, इनकम टैक्स के केस में जब HRA का कंप्यूटेशन किया जाता है तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होता है। क्या HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी या एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो वो उसका अमाउंट कितना होगा, कैसे मिलेगी, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम अपने फैमिली मेंबर को रेंट का पेमेंट करते हैं तो भी हमें HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे HRA को वेरीफाई कैसे करता है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में HRA का डिडक्शन देने से मना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सारे इश्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। तो मैं अब आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन सी बातें और कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको कि HRA क्लेम करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको अपनी सैलरी में HRA की डिडक्शन मिलेगी या नहीं। उसके लिए आपको मैं जो चीजें अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं पहले उसको इंश्योर करिए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए। नंबर टू, आपको HRA मिलना चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, और इसके लिए जरूरी है कि HRA का एक कंपोनेंट होना चाहिए आपकी CTC या टोटल सैलरी में, और आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो और उसका आप रेंट पे कर रहे हो, यानी कि आप एक हाउस में रह रहे हो जो कि आपने रेंट पर लिया हो और आप उसका रेंट पे कर रहे हो। अगर आप ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको HRA का डिडक्शन मिलेगा आपकी सैलरी में से। तो अगर आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं देन यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ HRA फ्रॉम योर सैलरी। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है पर मंथ और आपका एम्प्लॉयर आपको ₹15,000 एज ए HRA पे करता है, ये आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर या मंथली सैलरी शीट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये ₹15,000 रेंट पे कर रहे हैं तो ये भी आपका इनकम टैक्स बचाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि HRA पर मेरा इनकम टैक्स बचेगा कैसे, और आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके HRA पर इनकम टैक्स लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों, HRA के डिडक्शन के लिए तीन कंडीशंस होती हैं। तो इन तीन कंडीशंस में से जो भी सबसे कम हो उतने अमाउंट का HRA आपकी इनकम में से कम हो जाएगा और उस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर वन, जो एक्चुअल HRA आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला है। नंबर टू, 50% ऑफ योर सैलरी प्लस DA इन केस यू आर लिविंग
इन मेट्रो सिटी. मेट्रो सिटी मीन्स दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास. और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो यह डिडक्शन होगा 40% ऑफ योर सैलरी प्लस डीए. एंड नंबर 3, आप जो रेंट पे कर रहे हैं माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए. तो इन तीनों की पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ती है और फिर इनमें से जो सबसे कम आता है वो एचआरए आपकी इनकम में से कम हो जाएगा और उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि एचआरए पर आपका इनकम टैक्स बच जाएगा. अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल रेंट पेमेंट होना चाहिए, चाहे वो आप कैश में पे करें या बैंकिंग चैनल के थ्रू. अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो हम रेंट पे कर रहे हैं उसके लिए क्या रेंट अग्रीमेंट होना जरूरी है? जी हां, रेंट अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है अगर बाद में होने वाली परेशानियों से आप बचना चाहते हैं. तो रेंट अग्रीमेंट जरूर बनाइए अपने लैंडलॉर्ड के साथ, जिससे कि आप अपनी एचआरए की डिडक्शन इजीली क्लेम कर सकें इनकम टैक्स में. और ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और ड्यूली साइंड एंड नोटराइज भी होना चाहिए. ये ध्यान रखिए कि हर करंट पीरियड का रेंट अग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए. कई बार होता क्या है कि शुरू में एक बार रेंट अग्रीमेंट बना लिया जाता है और फिर उसके बाद साल दर साल उसको रिन्यू नहीं किया जाता है. और जब समय पड़ता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि आप इसका प्रूफ पेश कीजिए, तो आपके पास करंट डेट का या करंट पीरियड का रेंट अग्रीमेंट अवेलेबल नहीं होता है, जब उसकी आपको बहुत जरूरत होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए. ध्यान रखिए, अगर आप साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं तो आपके पास लैंडलॉर्ड का पैन नंबर होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी मेंशन करना पड़ता है. तो रेंट पर कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले, और अगर आप उसको यानी कि अपने लैंडलॉर्ड को 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं एक साल में, तो अपने लैंडलॉर्ड को ये आपको पूछना चाहिए कि भैया मुझे आपका पैन नंबर भी चाहिए होगा और वो मैं इनकम टैक्स में शेयर करूंगा, जिससे कि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना उठाना पड़े. क्योंकि बहुत सारी बार आपका लैंडलॉर्ड कह देता है कि मैं तो आपको अपना पैन नंबर नहीं दूंगा. तो जिस समय आप कोई मकान किराए पर ले रहे हैं तो उसी समय लैंडलॉर्ड से उसका पैन नंबर जरूर ले लीजिए. उसे बताइए कि भैया ऐसा है, आपको तो रेंट मिल रहा है, उसमें आपको 30% की डिडक्शन भी मिलेगी इनकम टैक्स के अंदर, तो इसलिए अच्छा है कि आप हमें अपना पैन नंबर दे दें, जिससे कि बाद में ना आपको परेशानी हो ना मेरे को परेशानी हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से. आप प्रॉपर रेंट रिसीट अपने लैंडलॉर्ड से जरूर लीजिए जब भी आप उनको रेंट पेमेंट करें, और उसे अपने पास संभाल कर रखिए. अब रेंट रिसीट में क्या क्या होना चाहिए, तो जिससे कि आपको जो एचआरए क्लेम कर रहे हैं उसमें कहीं आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, उसमें एक तो डेट ऑफ पेमेंट होती है, किस पीरियड का रेंट आपने पे किया है वो लिखा होता है, यानी कि किस महीने का आपने रेंट पे किया है वो महीना और ईयर उसमें लिखा होना चाहिए. ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसमें टेनेंट का नाम होना चाहिए, इसके अलावा उसमें लैंडलॉर्ड का नाम भी होना चाहिए अलोंग विद हिज एड्रेस. उसमें उस हाउस का एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए जिस जगह पर आप रह रहे हैं रेंट पर और जिसके लिए आप रेंट पे कर रहे हैं, उस पर
लैंडलॉर्ड के साइन भी होने चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए लैंडलॉर्ड का। अगर आप अपने लैंडलॉर्ड को एक साल में 1,00,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कैश में रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसकी रेंट रिसीट पर रेवेन्यू स्टैंप भी लगा होना चाहिए। यह रेवेन्यू स्टैंप आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप 3,000 रुपए से ज्यादा एचआरए ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो ऐसे में आपको रेंट रिसीट देना जरूरी है अपने एम्प्लॉयर को एचआरए का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, रेंट रिसीट होनी चाहिए और अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी होना चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयर को एचआरए का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अब यह भी हो सकता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो एक एग्रीकल्चरिस्ट हो और उसने ना तो कभी पैन नंबर लिया हो और ना ही कभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो, क्योंकि उसे कभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट होती है और रेंट भी बहुत कम है। जब आपके लैंडलॉर्ड ने कभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसके पास अपना पैन नंबर भी नहीं है, तो आपको उससे एक डिक्लेरेशन लेना होगा फॉर्म 60 में, दैट इज 60 में। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एम्प्लॉयर कहता है कि भैया मैं तो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं दूंगा फॉर्म 60 के बेसिस पर। तो इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर को सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 1/2013 डेटेड 10 अक्टूबर 2013 को पढ़ा दें और बता दें कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही इशू किया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 भी दिया जा सकता है और इस कंडीशन में आपके एम्प्लॉयर को एचआरए का डिडक्शन आपकी सैलरी में से देना पड़ेगा। अगर आप 5,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, तो आपको उसकी रेंट रिसीट पर रेवेन्यू स्टैंप लगाना पड़ेगा। और अगर आपने अपना रेंट चेक से पेमेंट किया है, तो उसकी रेंट रिसीट पर रेवेन्यू स्टैंप की कोई जरूरत नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सर्विस कर रहे होते हैं और वो दोनों ही एचआरए का डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने एम्प्लॉयर से। इसके लिए वो एक ज्वाइंट रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ। अब इसके लिए सपोज कीजिए दोनों मिलकर 40,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं हर महीने, तो ऐसा मत करिए कि 6 महीने तक रेंट का पेमेंट हस्बैंड कर दे और 6 महीने तक रेंट का पेमेंट वाइफ कर दे। इससे आप दोनों ही परेशानी में पड़े आएंगे, क्योंकि एचआरए के डिडक्शन का क्लेम मंथ टू मंथ बेसिस पर होता है और इसलिए 20,000 रुपए रेंट हस्बैंड को पे करना चाहिए अपने लैंडलॉर्ड को, और ऐसे ही वाइफ को भी उस अपने लैंडलॉर्ड को 20,000 रुपया रेंट पे करना चाहिए हर महीने। अगर हस्बैंड ने 6 महीने का और वाइफ ने 6 महीने का रेंट पेमेंट किया है, तो उनको डिडक्शन भी सिर्फ 6 महीने का मिलेगा, ना कि पूरे साल का। एचआरए का डिडक्शन क्लेम करने के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है पेमेंट ऑफ रेंट, तो उसके बारे में विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरए का डिडक्शन अलाउ करने से पहले रेंट के पेमेंट को जरूर देखता है। तो दोस्तों, ये थी वो सारी सावधानियां जो आपको बरतनी है अपने एचआरए का डिडक्शन क्लेम करते समय, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना चाहिए जब आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम करते हैं। अगर एचआरए के संबंध में अभी भी आपकी कोई और क्वेरी
या और कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सर्कल्स और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।